को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। लॉकडाउन के बाद अब आर्थिक तंगी की मार झेल रहे अभिभावकों के सामने एक और समस्या आन पड़ी है और वो है अपने बच्चों के भविष्य की, क्योंकि कई निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही कई स्कूल ऐसे भी हैं जो अपनी फीस बढ़ा चुके हैं। इससे परेशान कई अभिभावकों ने NMTV कार्यालय में संपर्क भी साधा था, तब NMTV ने इन अभिभावकों की आवाज़ बनकर समय समय पर ये मुद्दा उपस्थित किया है। सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह द्वारा भी निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पूर्व विधायक संदीप नाइक से मुलाकात कर विधायक गणेश नाइक के निदर्शन में ये मुद्दा लाया था, जिसके बाद विधायक गणेश नाइक ने आयुक्त से मुलाकात कर ऐसे स्कूलों को नोटिस भेजने की सूचना की थी। गणेश नाइक की इसी सूचना के बाद नवी मुंबई मनपा के शिक्षण अधिकारी नितिन काले द्वारा मुंबई विभाग के शिक्षण उपसंचालक एवं नवी मुंबई मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर ये सिफारिश की गई है कि नेरुल स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाहरकत प्रमाण पत्र रद्द किया जाए। बता दें कि यह CBSE का बिना अनुदानित स्कूल है, जहां पर नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इस स्कूल में एक प्राचार्य एवं 139 कर्मचारी कार्यरत है। शिक्षण अधिकारी ने अपने पत्र में ये लिखा है कि लॉकडाउन के समय में भी DPS स्कूल द्वारा अभिभावकों पर फीस भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसे लेकर कई अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पालिका द्वारा इस स्कूल को नोटिस भी भेजा गया था, मगर फिर भी स्कूल प्रशासन की मनमानी जारी रही, जिसके बाद प्रशासन अधिकारी एवं विस्तार अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर स्कूल को भेंट देकर फीस के लिए दबाव ना बनाए जाने के आदेश भी दिए गए, मगर स्कूल प्रशासन ने इन आदेशों को भी नजरअंदाज किया एवं अभिभावकों पर मास्क के लिए ₹400, लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर फीस, परीक्षा फीस, स्मार्ट क्लास फीस, कैलेंडर फीस एवं बस फीस वसूलने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। स्कूल द्वारा पालिका प्रशासन के माध्यम से दिए गए किसी भी आदेश का पालन ना किए जाने के चलते नवी मुंबई मनपा के शिक्षण अधिकारी ने ये सिफारिश की है कि स्कूल को राज्य सरकार द्वारा जो नाहरकत प्रमाण पत्र दिया गया है उसे रद्द किया जाए। पत्र के अंत में ये भी लिखा गया है कि स्कूल द्वारा सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया गया, साथ ही स्कूल द्वारा नाहरकत प्रमाण पत्र में उल्लेख किए गए नियम एवं शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है, इसलिए उनका नाहरकत प्रमाण पत्र रद्द होना जरूरी है। नवी मुंबई महानगर पालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नेरुल स्थित DPS जैसे प्रभावशाली स्कूल को पालिका के रोष का सामना करना पड़ा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ठाकरे सरकार नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा भेजे गए इस सिफारिश को मान्य करते हुए DPS स्कूल का नाहरकत प्रमाण पत्र रद्द करती है। अगर वाकई में DPS स्कूल का नाहरकत प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है तो ये उन स्कूलों के लिए भी एक सबक होगा जो सरकारी दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर अभिभावकों पर मानसिक दबाव डाल रहे हैं, जो लॉकडाउन के चलते पहले से ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।